अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि दोस्त किसे बनाना चाहिए। मैं इस पर एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक साथी, नेक दोस्त और बुरे साथी की मिसाल कस्तूरी बेचने वाले इत्तार और लोहार की सी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे एक लोहार है भट्टी में काम करता है और एक इत्तार है, उन दोनों की मिसाल है अच्छे और बुरे दोस्त की। फरमाया, मुश्क खुशबू है, बेचने वाले के पास से तुम दो अच्छाइयों में से एक ना एक ज़रूर पालोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप अगर मुश्क बेचने के वाले के पास, इत्र बेचने वाले के पास जाएंगे तो आप उनमें से, उसके पास दो में से एक चीज़ ज़रूर पाएंगे, या तो मुश्क ही खरीद लोगे यानी खुशबू खरीद लेंगे, वरना कम अज़ कम जब तक वहाँ आप बैठे रहेंगे तो उसकी खुशबू आप ज़रूर महसूस करेंगे। लेकिन जो बुरा दोस्त है, ये अच्छे दोस्त की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की भट्टी की है, या तो वो तुम्हारे बदन और कपड़े को जला देगी, या फिर कम से कम अब जब तक बैठे रहोगे तो आप उसकी बदबू तो महसूस करते ही रहोगे। तो अच्छा दोस्त, मैं सिर्फ एक ही अगर जुमले में बात ख़त्म करूं तो अच्छा दोस्त, आपने दोस्त कैसा बनाना है, इसका जवाब सिर्फ ये है कि आप ऐसा दोस्त बनाएं जिसके बनाने के बाद आप कयामत के दिन ये ना कहें जो सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह ताला ने अल्फाज बयान किए हैं। सूरह फुरकान की आयत नंबर 28 है कि या वैलता लैतनी लम अत्तखज फुलानन खलीला, कि ऐ काश कि मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। ऐसा दोस्त बनाइए कि तुम्हें उस पर कयामत के दिन पछतावा ना हो। बस ऐसा ही दोस्त अल्लाह के यहाँ आपके लिए पसंदीदा है जिसके ऊपर आपको पछतावा ना हो।